नमस्कार दोस्तों, लर्न माउथ ऑर्गन सीरीज के इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली पहले तीन वीडियोस में हमने काफ़ी थ्योरी की बातें कर ली हैं, संगीत की सरगम क्या होती है, डिफरेंट ऑक्टेव्स क्या होते हैं, हायर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव वगैरह वगैरह। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ हारमोनिका क्या क्या होते हैं, और थर्ड वीडियो में हमने संगीत के नोटेशंस को लिखने की और पढ़ने की क्या तरीका होता है, सिंपल सा तरीका, वो देखा। तो ये सारी थ्योरीज सुनकर आप लोग थोड़े बोर भी हो गए होंगे कि कब माउथ ऑर्गन बजाना सीखेंगे, तो चलिए इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम माउथ ऑर्गन को अपने हाथ में लेते हैं तो कैसे माउथ ऑर्गन को पकड़ने का सही तरीका क्या है, तो मैं वो आपको पहले बताता हूँ। एक मेरे हाथ में एक सुजुकी का ये क्रोमैटिक्स SCX-48 मॉडल का हारमोनिका है, जो एक 12 होल का क्रोमैटिक हारमोनिका है। इसमें एक स्लाइडर बटन है, आप देख सकते हैं। तो इसको जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका स्लाइडर वाला पोर्शन जो है वो आपके राइट हैंड की तरफ हो, और जो इसमें मोटे नोट्स होते हैं लोअर एक्टिव के, इसमें आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 12 तक इस पे नंबर है, और जो 1 है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, और 12-1 जो है वो लोअर एक्टिव का नोट होता है और मोटी आवाज उससे निकलती है। और फिर जैसे जैसे हम स्लाइडर की तरफ जाते हैं तो लास्ट का इसमें होल 12 नंबर का होल है, और वो सबसे हायर ऑक्टेव का नोट है। तो इसको हम इस तरह से पहले तो पकड़ते हैं, और फिर हम आपको हाथों की पोजीशन क्या होगी, फिंगर्स की, वो बताते हैं। तो इसको आप इन दोनों जो अंगूठा है और ये इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच को इस तरह से रखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा रख के इसको इसमें और ये इसके बीच में आपको पकड़ना है, अंगूठे और इंडेक्स के बीच में, और इन बाकी के उंगलियों को आप इस तरह से कर्ल करके रखिए। अब जो दूसरा हाथ है वो हाथ इस हाथ के ऊपर आएगा, इस तरह से कप की शेप लेगा, और अंगूठा जो है वो इस अंगूठे के ऊपर आ जाएगा, और बाकी की उंगलियां इसको एक ढक लेंगी। ये जो पोजिशन है, ये जो कप बना है, इसको पूरी तरह से ढक लेंगे। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि हवा का रास्ता ब्लॉक होता है। अब माउथ ऑर्गन में हम एक इस कप को बनाने से एक, अगर हम इसको रास्ते को बंद करते हैं और खोलते हैं तो एक वाइब्रेशन का इफेक्ट साउंड का आता है, जिसे वाइब्रेटो कहते हैं। तो ये एक बहुत जो अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही इसको अच्छी तरह से वाइब्रेशन का इफेक्ट पैदा करते हैं, और भी सुनने में ये आवाज बड़ी मधुर सी लगती है। तो ये आप देखिए, पहले मैं सिंपल ऐसे बिना रास्ते को खोले कप को बंद करके एक आवाज ब्लो करता हूं, और फिर जब इसको कप को हवा का रास्ता खोलते बंद करते हैं तो कैसी वाइब्रेशन की आवाज आती है वो देखिए। तरह से ये पकड़ने का तरीका हो गया। और अब जब भी एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब आप माउथ ऑर्गन बजाना शुरू करेंगे, कोई सा भी माउथ ऑर्गन लेंगे, तो पहले मैंने आपको बताया था कि सा कहाँ है मिडिल ऑक्टेव का, वहां से शुरुआत अगर हम करते हैं सरगम सीखने की, तो वो आपको किसी, अगर आपके पास कोई कैशियो, पियानो, इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसके सा के साथ इसको जब बजाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका सा कहाँ है। नॉर्मली ये जो हर एक माउथ ऑर्गन में मैंने बताया कि सा यानी कि इंग्लिश में जो सी होता है वो अलग अलग जगह पे होता है, तो इसमें ये फोर्थ होल जो है इसका मिडिल C
सी है यानी सा है, और फिर इसी होल में दो स्वर निकलेंगे, मतलब सा जो ब्लो करने से निकलेगा, और उसी को अगर हम उसी जगह मुंह को रखकर अगर हम ड्रॉ करते हैं, मतलब सांस को खींचते हैं, तो आपको रे की आवाज निकलेगी। तो सा रे, उसके अगले वाले में फूकने से ग और खींचने से म, उसके आगे वाले में प और ध, फिर उसके आगे खींचने से ही नी और फूकने से सा। तो इस तरह से चार और सात के बीच में, मतलब चार होल्स के बीच आपको एक सरगम मिल जाती है। तो ये 12 होल्स का है, तो मतलब ये 3 ऑक्टेव्स यानी 3 सप्तक इसमें कवर हो जाएंगे आपको। इस तरह से लगभग होता है। अगर आप 16 होल का एक हारमोनिका लेते हैं तो उसमें आपको 4 ऑक्टेव के स्वर मिल जाते हैं। मोटे तौर पर इतना ही समझना काफी है। अब जब आप शुरू करेंगे बजाना, तो शुरू में जब आप मुंह को रखकर इसको ब्लो करेंगे या खींचेंगे सांस को, तो दोनों ही कंडीशन में आपको एक सिंगल स्वर शुरू में तो नहीं मिलेगा, तो कुछ आपको 2-3 स्वर एक साथ मिलेंगे। इस तरह से कुछ आवाज आएगी। लेकिन आप मुंह को अगर एक सीटी की जो शेप होती है, सीटी बजाने की इस तरह से, तो ऐसे करके अगर, और आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो अपनी जीभ के सहारे और अपने होठों के सहारे आप ये कोशिश करते रहिए कि आपको एक क्लीन नोट मिले, एक ही स्वर जब आप फूंकते हैं या खींचते हैं तो एक ही स्वर मिले। ये काफी कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा। तो कुछ सरगम अगर बजानी हो तो सारे गा म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म ग रे सा, तो ये आप इस तरह से कुछ बजा सकते हैं। उसका सा यहां से शुरू होगा, और फिर वापस आते समय आज के लिए इतना ही काफी है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आप वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। कुछ मेरी आरके म्यूजिक चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप वीडियोज पसंद आ रही है तो आप और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आगे आपको सबसे पहले नर्सरी राइम्स से शुरू करूंगा, क्योंकि नर्सरी राइम्स छोटे छोटे होते हैं और मोस्टली वो शुद्ध स्वरों के साथ ही बज जाते हैं। तो सबसे पहले वो आप शुरू करेंगे। जब आप वो बजाएंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आगे धीरे धीरे हम गानों की ओर कदम रखेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।